नमस्ते सत श्री अकाल टीम, जो सब कैसे हैं और क्या मेरे वीडियोस आप देख रहे हो? टिप्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स हैं। अब क्योंकि बारिश का मौसम आया है तो चलो मैं सोच रही थी कि शेयर कर लेती हूँ। ये बारिश के मौसम में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिल जाती हैं और इनके लिए एक्स्ट्रा केयरिंग के लिए चाहिए होता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो आती है यमी यमी हम खाना चाहते हैं गर्मियों के बारिश के मौसम में। तो लेते हैं, शुरू करते हैं मक्की के आटे से, जो अभी बहुत बारिशों के मौसम में खाया जाता है। मक्की का आटा, बाजरा, ज्वार सब गर्मा गर्म खाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए फटाफट बनाना और इजी बनाने में एक सिंपल टेक्निक है। जब भी आप मक्की का आटा, बाजरा ये सब बनाते हो तो आप क्या कीजिए, इसमें गर्म पानी में गूंथिए। अगर आप इसे गर्म पानी में गूंदेंगे थोड़ा घी के साथ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा बनेगा और नरम सी परौंठी बनेगी। तो ऐसे ही आप मक्की, ज्वार, बाजरा गर्म पानी में गूंदे, नॉट इन और नॉर्मल टेम्परेचर। तो वैसे चलते हैं दूसरे टिप में, जो हम कड़छियां यूज करते हैं, वुडन की कड़छियां यूज करते हैं। उस वुडन कड़छियों पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट आने लग जाता है और थोड़ी सी डल होने लग जाती है। तो ऐसे स्टेज में आप क्या कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रखिए। जब भी आप इसे वॉश कर लेती हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के रखेंगे तो एकदम अच्छी बढ़िया सी रहती है, इसके ऊपर व्हाइट नहीं लगेगा। तो चलो चलते हैं, सर्दी के मौसम में कुछ काफी सारी सब्जियां बनती है और थोड़ी सी बच भी जाती है तो बहुत ही बढ़िया होता है सुबह के नाश्ते के लिए। वो सब्जी को आप आटे में गूंद के बनाएंगे तो मिस्सी परोठी यमी यमी अच्छा मटर के साथ सुबह खाया जा सकता है। तो चलो चलते हैं दूसरा, शूज। जो बाहर से जब हम आते हैं तो शूज बहुत सारे गीले, बारिश की वजह से गीले होते हैं और गीले की वजह से काफी सारी स्मेल आती है। तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा जो पेपर है, न्यूज़पेपर का गोला बनाइए, उसे गीला कीजिए और शूज के अंदर रख दीजिए। सॉरी, गीला मत कीजिए, इस न्यूज़पेपर को लीजिए और वो गोले से बना बना के उसके ऊपर, उसके अंदर रख दीजिए, ताकि जितना भी पानी होगा वो सारा न्यूज़पेपर सोक कर लेगा और इसकी जितनी भी स्मेल भी होती है ये वापस पेपर सोक कर लेता है। हो सके तो थोड़ा सा 2-3 कर्पूर भी आप इसमें डाल दीजिए। जब आप कर्पूर इसमें डालते हो तो इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाती है, तो थोड़ी सी धूप दे सकते हो, तो इसी बहाने आपकी जो बहुत सारी बैड ऑडर्स है ये निकल जाएगा। तो चलते हैं हमारे मसालों की तरफ। जब भी हमारी लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर ये सब हम लार्ज क्वांटिटीज में पीस के रखते हैं, तो इसको बारिशों के मौसम में बचा के रखने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। हर चीज में नमक डाल देंगे, एक तो ये इनका स्टोर भी हो जाती है और जब आप डालोगे तो ये बढ़िया सा भी रहेगा और इसमें खराबी नहीं आएगा, कोई कीड़ा नहीं आएगा। नमक एक ऐसा बहुत ही बढ़िया टिप है, प्लीज फॉलो कीजिए। ये लार्ज क्वांटिटीज में बहुत ही यूजफुल रहता है और सालों साल तक रहता है। वैसे ही आटा भी, जैसे मैंने आपको पहला कहा था, आटे में नीम के पत्ते डाल लीजिए। लेकिन काफी लोगों ने पूछा अगर नीम के पत्ते नहीं है तो क्या करें, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, बे लीफ होता है, तेज पत्ता लीजिए और उसमें रख दीजिए। इससे आपका कभी भी आटा खराब नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलते हैं अभी लंबे बाल जिनके होते हैं तो वो लोग लेते हैं रबर बैंड्स। ऐसे रबर बैंड्स के लिए फिर बहुत सारे कभी होते हैं, हम लोग डालते हैं पैक्टों में तो वो रबर बैंड सभी चिपक जाते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर मिक्स करके डाल दोगे तो आपका कभी भी रबर बैंड चिपकेंगे नहीं, आप आराम से रबर बैंड निकाल सकते हो। और कब कभी हम पैकेट्स में यूज करते हैं टाई कप के लिए, तो बहुत इजी टिप रहेगा। तो अगला टिप है मेरा लाइटर के बारे में। लाइटर बारिशों के मौसम में बहुत जल्दी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है, लाइटर्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिए, लाइटर जब भी आप खाना बना रहे हैं तो 2 मिनट या जब आप खाना बना लेते हैं उसके ऊपर आप पुराना लाइटर रख देंगे तो वो हीट की वजह से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसका पानी जो इवेपोरेट हो जाता है और वो वापस फ्रेश ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे लगेगा जैसे नया का नया लाइटर है। तो ऐसे मत सोचिए कि ये चलता नहीं है तो इसे फेंक मत दीजिए, सिर्फ उसमें थोड़ी सी सिल्लापन चले जाता है। तो इसे आग के सामने थोड़ी देर रखिए और वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। चलो चलते हैं हमारे प्लास्टिक शीट्स के लिए। तो हम अपने घरों में काफी सारी प्लास्टिक शीट्स, जैसे टेबल के मैट्स हो, काफी सारी चीजें होती हैं जो हम
रियूज करते रहते हैं, एक एक शीट के बाद दूसरी शीट, कभी आज ये डालना है तो कल ये डालना है। तो उस टाइम पे आप क्या, जब आप रख देते हो, रखने से पहले आप थोड़ा सा पाउडर, हर फोल्डिंग में थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के रखेंगे, तो क्या होगा, आप जब भी वो प्लास्टिक शीट टेबल के लिए निकालोगे, एकदम बढ़िया चिपकेगी नहीं, और एकदम उसकी जो शक्ल भी होती है वो डल नहीं होगी, एकदम बढ़िया सी रहेगी। तो पाउडर डाल के जरूर रखिए, ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलो चलते हैं अब, क्योंकि बारिश का मौसम है। लास्ट टिप बहुत ही बढ़िया टिप है, इस मौसम में मच्छर आने के बहुत चांसेस होते हैं, हर जगह पे मच्छर 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 होते हैं। तो बहुत ही सिंपल टिप्स है, आप क्या कीजिए, कैम्फर या तो बैट यूज करते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, कर्पूरम या कैम्फर वो होता है, उसे आप अच्छी तरह स्मैश करके आप हर किनारे पे डाल दीजिए। इससे क्या होएगा, मस्किटोस नहीं आएंगे, भले वो किचन हो या दरवाजे एंट्री गेट पे डाल दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया टिप होता है। वैसे भी मस्किटोस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो गाँव में करते हैं वो पेड़ा होता है, गाय का पेड़ा, उसके जो छोटे छोटे ट्यूब्स लेके आप घर के आगे रख दोगे, मस्किटोस भी नहीं आएगा। जो हवन के लिए भी यूज होता है, सोचिए ये चीज बहुत ही बढ़िया होती है, इसी को हवन में डाल के करेंगे। चलो चलते हैं बहुत ही नमन के साथ, ये गाय के जो भी पेड़ा होता है, अगर आप हवन में यूज करके घरों में हवन करेंगे नीम पत्तों के साथ, तो आपके घरों में मच्छर नहीं आएंगे, बहुत ही कम आएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द मॉनसून, थैंक यू।